हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियर ड्राइंग की आज क्लास में हम बात करने वाले हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल के बारे में कि कैनाल के क्रॉस सेक्शन हमारे कितने तरीके के होते हैं और अगर कैनाल के क्रॉस सेक्शन में से किसी भी सेक्शन पर अगर ड्राइंग बनाने के लिए आती है तो उस ड्राइंग को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैनाल के क्रॉस सेक्शन की ड्राइंग हम किस तरीके से बनाते हैं। तो क्रॉस सेक्शन की ड्राइंग बनाने के लिए हमें समझना होगा क्रॉस सेक्शन में यूज होने वाले सारे वो टेक्निकल टर्म्स जिनको हमें ड्राइंग बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी या हमें उन्हें समझना चाहिए। तो कैनाल के क्रॉस सेक्शन की ड्राइंग बनाने के लिए वो सारे टर्म्स जो हमारे ड्राइंग बनाने के लिए उपयोगी हैं और उनकी लोकेशन हमारे कैनाल के क्रॉस सेक्शन में कहाँ होती है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू एक डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ड्राइंग को ड्रॉ करना आपको सिखाएंगे। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, यानी ये लेक्चर अगर आपको अच्छी तरह समझ में आता है तो आप कैनाल के क्रॉस सेक्शन की यानी किसी भी कैनाल के क्रॉस सेक्शन की आप ड्राइंग एक परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो टेक्निकल टर्म्स की अगर हम बात करें तो कैनाल क्रॉस सेक्शन समझने से पहले हमें समझना होगा सबसे पहले टेक्निकल टर्म्स जो यूज होते हैं कैनाल के क्रॉस सेक्शन में। यहां पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, जो मैंने डायग्राम लिया हुआ है कैनाल एंड पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग, इन बातों का मतलब क्या है तो यहां से समझना स्टार्ट करते हैं सीरियल वाइज। सबसे पहले बेड ऑफ कैनाल, कैनाल की तली कहां है। तो देखिये कैनाल की तली अगर हम बात करें कैनाल इन पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग की, यानी कि कैनाल थोड़ी सी कटाई, यानी कैनाल जब हम क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं तो उसमें ग्राउंड को थोड़ा हमें काटना पड़े और जो कटिंग की है उसकी मिट्टी की हमें फिलिंग भी करनी पड़े, यानी उसी मिट्टी को हम साइड में एम्बैंकमेंट के रूप में यानी उनको स्पॉइल बैंक के रूप में हम उनकी फिलिंग कर हम कैनाल का क्रॉस सेक्शन बना दें। तो देखें जरा यहां पर सपोज कीजिए यहां पर हमें करना है कैनाल इन पार्शियली कटिंग, यानी थोड़ी सी हमें कटिंग करनी है और उसके बाद हमें फिलिंग भी करनी पड़ेगी कैनाल के अंतर्गत। तो हमें क्या करना होगा कि बेड ऑफ कैनाल समझने के लिए कैनाल का बेड क्या है तो हम क्या करेंगे यहां पर जमीन को हम थोड़ा सा यहां पर हिस्सा हम क्या करेंगे इसे कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद यहां पर हम नीचे की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर इस क्रॉस सेक्शन में यहां पर बनाया हुआ है तो वही सेक्शन हम यहां पर बना रहे हैं। तो हमने क्या किया इस तरीके से स्लोप देते हुए यहां पर हमारी जो सॉइल है उसको हम स्लोप देते हैं और स्लोप देकर यहां पर हम कैनाल का बेड तैयार करते हैं। तो ये हमारा जो लास्ट जो बॉटम सरफेस आपको दिखाई दे रही है तो अब ये कह सकते हैं कि बेड ऑफ कैनाल क्या होता है, किसी भी नहर का सबसे बॉटम सरफेस जो होती है वो हमारी कहलाती है बेड ऑफ कैनाल। तो इस डायग्राम में हमारा बेड कहां पर है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है यहां पर जो ग्रीन लाइन है ये हमारी क्या है ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल के नीचे यानी जहां हमारी बॉटम सरफेस है किसी भी नहर की या किसी भी चैनल की तो वो बॉटम सरफेस ही हमारी क्या कहलाती है बॉटम हॉरिजॉन्टल सरफेस ही कहलाती है बेड ऑफ कैनाल। तो ये हमारा जो पार्ट है वो क्या है बेड ऑफ कैनाल, यानी ये सबसे पहला हमारा टैगलाइन टर्म हुआ कि कैनाल के जो तली है तो कैनाल की तली की चौड़ाई, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कैनाल की तली की चौड़ाई दी जाएगी यानी आपको बेड ऑफ चैनल दिया जाएगा या बेड ऑफ कैनाल दिया जाएगा तो उसका मतलब होगा वो यहां से लेके यहां तक की आपकी डिस्टेंस आपको दे रहा है। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि बेड विड्थ ऑफ चैनल यानी नहर की हमारी जो बेड विड्थ है वो कितनी है 5 मीटर है। तो बेड विड्थ का मतलब आप क्या समझेंगे कि नहर हमारी ये वाली है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ कटिंग करके ही बनाना है, इस बात का आपको जो इंडिकेशन है सबसे पहले क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अनलाइंड चैनल इन पार्शियली फिलिंग एंड पार्शियली कटिंग। तो कटिंग अगर करेंगे तो कटिंग का मतलब क्या है हम ग्राउंड लेवल के अंदर ही कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमने ग्राउंड की और कटिंग करने के बाद इतनी जो यहां पर सॉइल थी उस सॉइल को हमने निकाल दिया तो यहां पर कटिंग कर दी और उसके बाद में हमने नहर का एक बेड बना दिया या नहर में हमने क्या प्रोवाइड कर दिया एक बेड हमने प्रोवाइड कर दिया तली हमने प्रोवाइड कर दी और उसके बाद हमने ये साइड स्लोप हमने यहां पर बना दिए। अब नहर को हम क्या इस तरीके से कटिंग करके ऐसा बना सकते हैं देखें जरा, क्या हम वर्टिकल कंडीशन में रख सकते हैं यानी ग्राउंड लेवल हमारा इस तरीके से हो। तो ऐसे वर्टिकल कंडीशन में रखा नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि सॉइल की हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कम होती है और इससे पानी जब इससे टकराएगा तो क्या होगा ये हमारा कटाव हो जाएगा और सॉइल हमारी अपने आप जो रेस्ट कंडीशन में आनी चाहिए उस कंडीशन में आ जाएगी। यानी कि यहां पर हम ये कहते हैं कि जब भी कैनाल का बनाया जाता है तो कैनाल का जो हमारा स्टैंडर्ड शेप है वो कैसा होता है ट्रेपेजोइडल शेप है यानी समलंबाकार आकृति है। तो ट्रेपेजोइडल शेप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा इस वर्टिकल को हमें क्या कर देना होगा एक इंक्लाइंड सरफेस में यहां पर हम मिट्टी को इस तरीके से करेंगे कि यहां पर हमारी एक इंक्लाइंड सरफेस हमें देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पर हमारी जो सरफेस है वो सॉइल की हमारी कैसी रहेगी, इंक्लाइंड सरफेस, और हमने यहाँ पर कैसा शेप बना दिए, ट्रेपेजॉइडल शेप का हमने यहाँ पर सेक्शन बना देंगे यहाँ पर स्लोप प्रोवाइड करने के बाद। अब स्लोप कैसे प्रोवाइड करेंगे वो आगे आएगा, अभी आपको बताते हैं। तो अब हमने क्या कर लिया है देखें यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर कैनाल का बेड तैयार कर लिया है। ये क्या हो गया हमारा बी डॉट एल, इसका मतलब है बेड लेवल ऑफ कैनाल, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं की मदद से आगे की हम सारे टर्म समझेंगे। तो बेड लेवल ऑफ कैनाल हमारा समझ में आ गया कि बेड लेवल क्या है, कि किसी भी चैनल की जो हमारी कटिंग करने के बाद, अगर चैनल हमारी पार्शियली कटिंग पार्शियली फिलिंग में है, तो कटिंग करने के बाद जो सबसे नीचे आ जाएंगे हम, और वहां पर जो हम हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोवाइड करेंगे वो नहर का हमारा सबसे बॉटम सरफेस होगा। बॉटम हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कैनाल इज नोन एज बेड लेवल, वो हमारा क्या होगा नहर का तली कहलाती है, हमारी नहर का सबसे बॉटम सरफेस होती है जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमने यहाँ पर साइड स्लोप्स प्रोवाइड कर दिए, माने क्या है साइड स्लोप, जो भी हमारा कटिंग में साइड स्लोप दिया जाएगा वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आता है बर्म, बर्म को हिंदी में कहते हैं स्कंद, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके शोल्डर। तो हमारा बर्म क्या है, तो देखो बर्म हमारे जो बर्म है उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने कैनाल की कटिंग की है, कटिंग करने के बाद जो हमने बेड रेडी किया और जो हमने सेक्शन बनाया है, यानी कि इसके जो टॉप सरफेस है, यानी कि स्लोपिंग साइड की टॉप सरफेस, और जो हमने यहाँ पर मिट्टी कटिंग की है, उस मिट्टी को हम क्या करते हैं फेंकते नहीं हैं, उस मिट्टी को हम बैंकिंग के रूप में यानी कि फिलिंग के रूप में हम क्या करते हैं यहाँ पर एक और ट्रेपेजॉइडल शेप हम यहाँ पर इस तरीके से हम बना देंगे। ट्रेपेजॉइडल शेप ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें सॉइल वर्टिकल कंडीशन में नहीं रखनी है, हमें सॉइल कैसे रखनी है, अगर वर्टिकल कंडीशन रखेंगे तो सॉइल ऑटोमेटिकली ढहकर एक अपना एंगल ऑफ रिपोज के अकॉर्डिंग स्लोप बना लेगी, अदरवाइज हमें पहले ही स्लोप प्रोवाइड कर देना चाहिए, एक परफेक्ट स्लोप यहां पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमने जो मिट्टी यहां पर कटिंग की थी उस मिट्टी का कुछ हिस्सा हमने इधर और कुछ हिस्सा हमने इधर यहां पर क्या कर देंगे, इसको बैंकिंग के फॉर्म में हम यहां पर जमा कर देंगे इस तरीके से। तो देखें इसको समझें, यहां पर हम समझना चाहते हैं कि बर्म क्या है। तो बर्म क्या है, हमारी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है बिटवीन टू ऑफ बैंक, यानी हमारा जो बैंक है उसका किनारे, बिल्कुल इसको क्या कहते हैं टू ऑफ बैंक, यानी बैंक के टू से लेकर जो हमारा टॉप सरफेस यानी टॉप यानी एपेक्स ऑफ स्लोपिंग साइड, जो स्लोपिंग साइड और टो के बीच में जो हमारी डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं बर्म कहते हैं। यानी आप इस डायग्राम में समझें कि बर्म क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, इस रेड लाइन के बाद ब्लू लाइन, तो ये क्या है हमारी जो स्लोपिंग साइड की टॉप सरफेस है, जो स्लोपिंग साइड का हमारा टॉप कॉर्नर पॉइंट है, उस कॉर्नर पॉइंट से लेकर जो हमने यहाँ पर बैंकिंग की है, जो मिट्टी यहाँ से काटी थी, जो मिट्टी यहाँ पर हमने लगा दी है ट्रेपेजॉइडल शेप में, उसके टो से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या कहलाती है बर्म कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है हमारी बर्म। तो यही कहेंगे द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टो ऑफ बैंकिंग एंड द टॉप पॉइंट ऑफ स्लोपिंग साइड इज नोन एज बर्म। यानी बर्म क्या है, किसी भी एम्बेंगमेंट के टो से लेकर हमारी टॉप स्लोपिंग साइड की टॉप सरफेस तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं बर्म। अब देखें बर्म, हाँ समझ में तो आ गया, लेकिन बर्म की जो डिस्टेंस है वो कैसे डिसाइड करते हैं। सपोज कीजिए आपकी जो नहर में पानी की जो गहराई है वो डी मीटर है, यानी यहाँ पर हमारे पानी जो है वो इस तरीके से, यहाँ पर मैं पानी बना रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर पानी का मैंने यहाँ पर साइन बनाया, और जब हमारी नहर पूरी तरह से भरकर बह रही है तो उसमें हमारा जो सबसे ये जो पॉइंट है ये हमारा फुल सप्लाई लेवल, इसे क्या कहेंगे हम फुल सप्लाई लेवल। तो जो फुल सप्लाई लेवल हमें यहाँ पर फुल सप्लाई लेवल देखें, तो ये हमारा क्या आ गया फुल सप्लाई लेवल। अब फुल सप्लाई लेवल की गहराई, यानी कि जब पानी की गहराई हमारी अगर डी है, यानी पानी की गहराई हमारी क्या है, यानी नहर में अगर पानी की गहराई डी है तो उस डी गहराई का अगर नहर हमारी फुल्ली इन कटिंग में है तो कटिंग के केस में हम बर्म देते हैं 1.5D। क्या देते हैं 1.5D। देखें यहाँ पर मैं ध्यान से आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखें यहाँ पर हमारे नहर में पानी गहराई कितनी है डी, अगर डी गहराई है सपोज कीजिए 1 मीटर गहराई है पानी की, तो 1.5 मीटर बनेगा कब, जब नहर हम फुल्ली इन कटिंग में बना रहे हैं, यानी नहर हम पूरी तरह से ग्राउंड को काटकर नीचे ही बना रहे हैं, ग्राउंड से नीचे ही बना रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो बर्म होगा वो 1.5D होगा। अगर हमारी नहर पार्शियली कटिंग पार्शियली फिलिंग में है, जैसा कि यहाँ पर हमारा सेक्शन है, यहाँ पर हम सेक्शन बना रहे हैं कि नहर को कुछ हमने ग्राउंड लेवल को काटा और कटी हुई मिट्टी को हमने फिलिंग के रूप में यानी एम्बिंगमेंट के रूप में हमने उसके साइड में जमा कर दिया, तो उस केस में जो हम बर्म लेते हैं वो लेते हैं 2D, यानी कि जो पानी गहराई है उसका 2 गुना, यानी इस केस में अगर हम बर्म लेना चाहेंगे तो कितना लेंगे
2D लेंगे। आगे हमारा है कैनाल फॉर फुल्ली फिलिंग, यानी कि अगर नहर में कटाई ना की जाए, सारी मिट्टी बाहर से लाकर अगर हम बनाते जा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं कैनाल इन फुल्ली फिलिंग, यानी सारी की सारी मिट्टी बाहर से लाकर फिलिंग में हमने कैनाल को बनाया है, जैसा कि हम बना के सेक्शन सीखेंगे भी। तो कैनाल इन फुल्ली फिलिंग की अगर हम बात करें, तो उस केस में जो हमारा बर्म होता है वो रहता है 3D, यानी कि अगर पानी की गहराई डी मीटर है तो उसका 3 गुना हम बर्म लेते हैं। बर्म हम क्यों ले रहे हैं, देखें एम्बैंकमेंट को जो हमारे पानी के अंदर हलचल होती है, यानी कि वेव एक्शन जब होता है, तो पानी के जो वेव एक्शन का इफेक्ट जितनी डिस्टेंस हमारी ये ज़्यादा होगी, उतना ही ये क्यों है, जो हमारा ये पार्ट है ये क्या है, एक बैंकिंग है, यानी मिट्टी की बैंकिंग है, तो इस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े पानी की तरंगों का, यानी पानी के वेव्स का, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या देते हैं, बर्म यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो नहर में हमें साइड में क्या करना होगा, बर्म प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी बर्म क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, किसके बीच में, एम्बैंकमेंट के टो और स्लोपिंग साइड के टॉप सरफेस के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और अलग अलग कैनाल में हम अलग अलग प्रोवाइड हम मानते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस जो हमें यहाँ पर टेक्निकल टर्म के रूप में हमें आनी चाहिए। अब यहाँ पर आया हमारा अगला पॉइंट है स्पॉइल बैंक। अभी आपको मैंने बता ही दिया कि बर्म हम प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेव एक्शन से इस एम्बैंकमेंट को आसानी से बचाया जा सके या उस पर इफेक्ट कम पड़े वेव एक्शन का, उसके लिए हम यहाँ पर बर्म प्रोवाइड करना जरूरी है, और नहर के साइड में थोड़ी नहर की गहराई कम रहे उसके लिए भी हमें बर्म को प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है। आगे देखेंगे स्पॉइल बैंक या एम्बैंकमेंट क्या है। देखो जो मिट्टी यहाँ पर हमने कटिंग की है, यानी जो ग्राउंड लेवल यहाँ से हम कट कर रहे हैं, इस ग्राउंड लेवल को काट कर जो मिट्टी यहाँ से कटी हुई निकली है, उस मिट्टी को हम क्या करते हैं, ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में यहाँ पर हम एक बैंक बना देते हैं, इसे हम कहते हैं एम्बैंकमेंट। क्या कहते हैं इसे, एम्बैंकमेंट। तो ये हमारा जो एम्बैंकमेंट है, या इसे हम क्या कहते हैं, स्पॉइल बैंक, हमें स्पॉइल बैंक भी कहते हैं, या इसे हम एम्बैंकमेंट भी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यानी एम्बैंकमेंट या स्पॉइल बैंक क्या है, हमारे जो हमने मिट्टी यहाँ पर कटिंग की है, उस मिट्टी को फेंकते नहीं है, उस मिट्टी को हम क्या करते हैं, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बनाकर यहाँ पर इकट्ठी कर देते हैं। उससे हमें बेनिफिट क्या होगा, एक तो नहर की जो पानी ले जाने की क्षमता है वो क्षमता बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसकी हमारी जो धारिता बढ़ जाएगी। तो डिस्चार्ज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, स्पॉइल बैंक हम प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे हमारे पानी की ज़्यादा मात्रा इस नहर में आ पाएगी। तो ये हमारा हो गया स्पॉइल बैंक, एंड इसको हम एम्बैंकमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर यहाँ तक। आगे आया हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डॉबल। डॉबल क्या है, देखें अब हमने क्या किया, जो स्पॉइल बैंक इधर है, एक स्पॉइल बैंक हम इधर भी बनाते हैं, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी हम एक यहाँ पर स्पॉइल बैंक बना रहे हैं। तो नहर का इधर भी एक स्पॉइल बैंक, यानी इधर भी एक एम्बैंकमेंट हो गया, इधर भी एक एम्बैंकमेंट हो गया। तो यहाँ पर हम सर्विस रोड भी प्रोवाइड करते हैं। आप देखें यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो क्या, एक सर्विस रोड है। सर्विस रोड का मतलब यहाँ पर एक हम 3.8 मीटर का, जब हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो हम कितना बनाते हैं, सर्विस रोड, 3.8 मीटर का एक सर्विस रोड बनाते हैं। तो अब देखिए 3.8 मीटर का जो सर्विस रोड यहां पर हमने बनाया है, उस सर्विस रोड को सेफ्टी फैक्टर के लिए, उस सर्विस रोड के लिए डायरेक्टली दुर्घटना के टाइम ये गाड़ी कैनाल में ना जाए, उसके लिए सेफ्टी फैक्टर के लिए हम क्या करते थे, एक थोड़ा सा उठा हुआ रोड से थोड़ा सा उठा हुआ एक पोर्शन हम बना देते हैं, जो नहर के पैरेलल बनाया जाता है। तो हम यही कहेंगे कि डॉबल क्या है, एक हमारी स्ट्रिप है, जो यानी एक पट्टी है जो नहर के पैरेलल बनाई जा रही है, नहर के साथ साथ हमारी चलती रहती है, और किसके लिए, सेफ्टी फैक्टर के लिए, यानी व्हीकल्स जो हमारे सर्विस रोड पर यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके सेफ्टी फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, डॉबल बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, डॉबल, इसे हम कहते हैं डोला या डॉबल, इसको हम कहते हैं। अब बात आती है कि डॉबल के डायमेंशन क्या लेते हैं। तो अगर हम डॉबल के डायमेंशन की बात करें, यहाँ पर देखें, सपोज कीजिए ये आपका डॉबल है, और इस डॉबल की अगर डायमेंशन की बात की जाए, तो इसकी जो टॉप सरफेस है वो हमारी 0.5 मीटर हम लेते हैं, और इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो भी हम 0.5 मीटर लेते हैं, यानी कि डॉबल की जो हमारी टॉप सरफेस है वो हमें 0.5 मीटर, और इसकी हाइट भी हमें कितनी लेनी चाहिए, 0.5 मीटर हमें लेनी चाहिए, और स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम स्लोप भी प्रोवाइड इसमें हम करते हैं। तो ये हो गया हमारा डॉबल हो गया, स्पॉइल बैंक हो गया, एम्बैंकमेंट हो गया। अब बात करते हैं सर्विस रोड या इंस्पेक्शन रोड की।
अब इस नहर के निरीक्षण के लिए यानी इंस्पेक्शन के लिए, इसके रखरखाव के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए हमें एक सर्विस रोड देनी होती है। तो सर्विस रोड हम क्यों देते हैं? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कैनाल, या फिर हम उसके रखरखाव के लिए, देखभाल के लिए हम यहाँ पर एक सर्विस रोड प्रोवाइड करते हैं। तो उस सर्विस रोड के लिए हम क्या, उस सर्विस रोड को हम कितना देते हैं? जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो उस केस में सर्विस रोड हमारा 3.8 मीटर लिया जाएगा, और अगर क्वेश्चन में गिवन है चाहे फिर वो 2 मीटर का ही क्यों ना गिवन हो, जितना भी कम से कम दिया गया होगा 3.6 मीटर, 3.75 मीटर, 3.8 मीटर जो भी दिया गया है हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और बाकी रही बात स्लोप की, स्लोप हम आगे यहाँ पर साइड स्लोप हमें दे रखा होगा, तो साइड स्लोप हम क्वेश्चन में ही समझ पाएंगे किस तरीके से हम उसको बनाएंगे। आगे फ्री बोर्ड, तो फ्री बोर्ड क्या है देखें, यहाँ पर हमारी कैनाल हो गई, फुल सप्लाई लेवल हमारा कैनाल का यहाँ पर हमने बना लिया, यानी कि नहर हमारी पूरी भरकर बहेगी, तो फुल सप्लाई लेवल ये है। तो फुल सप्लाई लेवल और जो हमारी टॉप सरफेस, इसे क्या कहते हैं हम, टॉप सरफेस ऑफ एम्बैंकमेंट, ये हमारी है टॉप एज या टॉप सरफेस ऑफ एम्बैंकमेंट, यानी एम्बैंकमेंट की सबसे टॉप सरफेस है ये हमारी। तो टॉप सरफेस ऑफ एम्बैंकमेंट, अब देखें यहाँ पर इसको आप इधर लेके आइए, ऐसे मिलाइए इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जब मिलाएंगे तो यहाँ से आपको एक वर्टिकल डिस्टेंस मिलेगी। तो क्या है हमारी, देखें यहाँ पर जरा, ए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फुल सप्लाई लेवल, FSL की मीन्स है फुल सप्लाई लेवल, एंड टॉप सरफेस ऑफ एम्बैंकमेंट इज नोन एज फ्री बोर्ड, वो हमारी क्या कहलाती है, फ्री बोर्ड कहलाती है। तो यहां पर देखें जरा क्या हो गया, ए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द फुल सप्लाई लेवल एंड द टॉप सरफेस ऑफ एम्बैंकमेंट इज नोन एज फ्री बोर्ड ऑफ कैनाल, यानी कि फ्री बोर्ड क्या है, एक वर्टिकल डिस्टेंस, यहां पर आपको एक इंडिकेशन की तरह आप समझ लीजिए कि हमारा फुल सप्लाई लेवल एंड किस किस के बीच में, फुल सप्लाई लेवल एंड टॉप सरफेस ऑफ एम्बैंकमेंट, यानी कि किसी भी नहर में फुल सप्लाई लेवल से लेकर टॉप सरफेस ऑफ एम्बैंकमेंट तक के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस हमारी कहलाती है वो वर्टिकल डिस्टेंस होती है हमारी फ्री बोर्ड ऑफ कैनाल, कैनाल के फ्री बोर्ड। अब ये क्यों बनाते हैं हम कैनाल में फ्री बोर्ड क्यों देते हैं, देखें ओवर फ्लडिंग के केस में यानी बाढ़ की स्थिति में हमारी नहर की कुछ डिस्चार्ज कैपेसिटी बनी रहे तो उसके सेफ्टी फैक्टर को देखते हुए हमें फ्री बोर्ड प्रोवाइड करना होता है। आगे आता है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, यानी द्रव्यीय ढाल रेखा, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को हम सैचुरेशन लाइन भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, और सैचुरेशन लाइन, तो सैचुरेशन लाइन हम कैसे प्रोवाइड करते हैं वो देखेंगे। सैचुरेशन लाइन की अगर हम बात करें, देखें जब पानी हमारा कहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक, तो इस पानी की नमी मैक्सिमम हमारी स्लोप में कहाँ तक जा सकती है, तो ये जो लाइन है वो हमारी क्या कहलाती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहलाती है, यानी कि हमारी जो वर्टिकल हाइट यहाँ पर इतनी आई है पानी की, उस वर्टिकल हाइट के अकॉर्डिंग कहाँ तक हमारा मॉइस्चर जा सकता है कैनाल का, तो वो हमारी जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, उनको जो मिलाने वाली जो लाइन होती है उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहते हैं। यानी आप इतना समझें कि कैनाल में जो नमी है वो कहां तक पहुंच सकती है मैक्सिमम, वही हमारी क्या कहलाती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहलाती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छा एक और पॉइंट देखें आप, अब यहाँ पर हम पहचानेंगे कैसे कि कैनाल हमारी फुल्ली फिलिंग में है या कैनाल हमारी फुल्ली कटिंग में है या कैनाल हमारी पार्शली फिलिंग पार्शली कटिंग में है। तो उसके लिए देखें, अगर किसी भी नहर में ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल यानी जो ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, यानी जमीन हमारी हरी भरी है, तो ग्राउंड लेवल हमारा नीचे ये हो गया, ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर हमारा फुल सप्लाई लेवल है यानी कि ब्लू कलर में हमारा वाटर है, तो फुल सप्लाई लेवल मैंने इस तरीके से लिख दिया ये। तो देखें अगर किसी कैनाल का फुल सप्लाई लेवल ऊपर हो जबकि उसका हमारा जो बेड लेवल है, बेड लेवल हमारा कैसा हो, नीचे हो, तो देखें जरा बेड लेवल, तो इस तरीके अगर सिचुएशन होगी तो कैनाल हमारी होगी पार्शियली फिलिंग और पार्शियली कटिंग। देखें अगर ग्राउंड के नीचे है बेड लेवल, यानी ग्राउंड की जो सरफेस लेवल है उस लेवल से नीचे अगर बेड लेवल है और ग्राउंड सरफेस से ऊपर अगर हमारा फुल सप्लाई लेवल यानी पानी का लेवल है, तो
उस केस में यानी इस सिचुएशन को जो हमारी कैनाल सेटिस्फाई करती है, जो क्रॉस सेक्शन हमारा इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है, उसे हम कहते हैं कैनाल इन पार्शियली फिलिंग एंड पार्शियली कटिंग। जैसा कि यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा है, ग्रीन लेवल हमारी जो ग्रीन लाइन है वो हमारी ग्राउंड लेवल है, ये बेड लेवल है, फुल सप्लाई लेवल ऊपर है। अब फुल्ली इन कटिंग में क्या होगा, कटिंग का मतलब ये होगा कि ग्राउंड लेवल हमारा सबसे ऊपर होगा, ग्राउंड लेवल हमारा सबसे ऊपर है, तो यानी कि जी एल हमारा सबसे ऊपर हो गया, और फुल्ली इन कटिंग में जी एल ऊपर हो गया और हमारा जो फुल सप्लाई लेवल है वो ग्राउंड लेवल से नीचे होगा, यानी नहर हमारी ग्राउंड लेवल से नीचे बह रही होगी, और जो बेड लेवल है, जो बेड लेवल हमारा बिल्कुल तली में होगा, तो उसे हम कहेंगे कैनाल का जो क्रॉस सेक्शन है वो फुल्ली इन कटिंग का हमारा, यानी इस सिचुएशन को जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो हमारा कैनाल का जो क्रॉस सेक्शन है वो कहलाता है हमारा फुल्ली इन कटिंग। अब बात करते हैं कैनाल फुल्ली फिलिंग, फुल्ली फिलिंग है तो उस केस में ग्राउंड हमारा सबसे नीचे होगा, यानी ग्राउंड हमारा जमीन सबसे नीचे होगी और जमीन के ऊपर होगा हमारा बेड लेवल, और बेड लेवल के ऊपर होगा हमारा फुल सप्लाई लेवल। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस थी। हमने सबसे पहले यही समझा कि कैनाल के क्रॉस सेक्शन हमारे कितने तरीके के होते हैं, टेक्निकल टर्म्स हमारे कौन कौन से होते हैं। अब इनको समझकर आपको समझ में ये आ जाएगा कि अगर क्वेश्चन में डेप्थ ऑफ चैनल दे रखी है तो आप समझ जाएंगे नहर की गहराई कितनी है, डेप्थ ऑफ वाटर दे रखी है पानी की गहराई कितनी है, साइड स्लोप अभी अगले क्वेश्चन में समझाएंगे, टॉप बिर्थ ऑफ एम्बैंकमेंट तो हमारी ये हो गई टॉप सरफेस ऑफ एम्बैंकमेंट एंड टॉप बिर्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट यानी एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी है तो ये हम समझ में आ गया, सर्विस रोड हमारा कितना है 3.8 मीटर हम समझ गए सर्विस रोड यहाँ पर होता है, डबल नहीं दे रखा है खुद ही बना लेंगे, बेड बिर्थ ऑफ चैनल, चैनल की चौड़ाई यानी बेड की चौड़ाई कितनी है। अब ये तो हमें समझ में आया कि कौन कौन से टर्म्स हमारे यूज होते हैं इरिगेशन इंजीनियर ड्राइंग के क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल में, वो हमने सारे टेक्निकल टर्म्स हम यहाँ पर अपने पढ़ लिए। अब अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और बनाएंगे इसकी ड्राइंग और आपको सिखाएंगे कि इसकी ड्राइंग हमारी किस तरीके से बनाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।